हाँ जी, कैसी चल रही है जिंदगी की गाड़ी? पिछले कुछ दिनों में जैसे जैसे दुनिया में क्राइसिस बढ़ा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। एंड वन कैन सडनली स्पॉट ऑल दीज फादर्स बच्चों के साथ, जिनको मैंने पहले उनके साथ खेलते हुए कभी नहीं देखा। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स जिनसे बात कम हो गई थी, दे आर रीचिंग आउट टू ईच अदर। जो चीजें लोगों ने संभाल के रखी थी वो बाहर आ रही हैं, तो इंटरेस्टिंग है। दिस इज द सनशाइन नज्म पावर्ड बाय कार देखो गाड़ी। एक साहब ने मुझे फोन किया अबाउट हाउ दिस लॉकडाउन हैज चेंज्ड हिज आउटलुक टुवर्ड्स थिंग्स, मटेरियल थिंग्स। सो दिस वन इज बेस्ड ऑन हिज स्टोरी। मुलाजा फरमाइए आज। ये साहब कहते हैं कि मैंने अपनी एक कमीज डब्बा समेत अलमारी में बाकी कमीजों के नीचे दबा के रखी थी। हर अच्छी चीज की तरह किसी स्पेशल दिन के इंतजार में अलमारी के कोने में छुपा के रखी थी। कजन की शादी में मिलनी पर मिली थी, लड़की वालों ने भी लेबल नहीं उतारा था, महंगी थी इसलिए बाकी कमीजों से अलग हटा के रखी थी। बाकी कमीजों के नीचे दबा के रखी थी, अलमारी के कोने में छुपा के रखी थी। इसी अलमारी में पीछे की तरफ एक महंगा परफ्यूम भी पड़ा है, ड्यूटी फ्री से ये सोच के लिया था कि किसी स्पेशल ओकेजन पे लगाएंगे। बाकी सस्ते वाले तो रोज छिड़क लिया करते हैं, इसे किसी अजीज पे उड़ाएंगे, किसी स्पेशल ओकेजन पे लगाएंगे। पीछे की तरफ महंगी वाली परफ्यूम के बिल्कुल साथ एक और चीज पड़ी है, किसी को कभी नहीं बताया। कई बार दिल ने पूछा कि संभाल के क्या करना है, पर संभाव इसे जिंदगी से कभी नहीं हटाया, किसी को कभी नहीं बताया। एक छोटा सा पुराना जूतों वाला गत्ते का डब्बा है, उसमें पुराने कुछ खत पड़े हैं, कॉलेज के जमाने में किसी को लिखे थे, आज तक पोस्ट नहीं किए, इसीलिए आज भी बेगैरत पड़े हैं। जब से सबकी शादियां हुई है ना, बच्चे हुए हैं, व्हाट्सएप पे फैमिली वाले ग्रुप बने हैं, भाइयों से ज्यादा बात नहीं हुई थी, भाइयों से ज्यादा फोन नहीं हुआ था। हर रोज सुबह गुड मॉर्निंग के साथ एक चुटकुला, एक डिजिटल गुलाब का फूल आ ही जाता है, इसलिए भाइयों के साथ टाइम अलोन नहीं किया था, बड़े दिनों से किसी को फोन नहीं किया था। आज सुबह वो महंगी वाली कमीज निकाल आया हूं। वो खत जो कॉलेज में पोस्ट नहीं किए थे ना, नए पते पर जल्दी पहुंच जाए, बस कुरियर की दुकान खुलते ही भेज दूंगा, सबको बता आया हूं। भाइयों को फोन करके ऊंची आवाज में कहा है, लॉकडाउन के बाद सबका खाना मेरे यहां है। नई कमीज पहनकर, महंगा परफ्यूम लगाकर, हर कीमती चीज अलमारी से हमेशा के लिए बाहर निकाल लाया हूं। कल के लिए बाय गॉड जो संभाल के रखा था उन सबको आज का बना आया हूं, अलमारी से बाहर निकाल लाया हूं। सही कहा इन जनाब ने, दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर अस टू आस्क आवरसेल्व्स व्हाट मे बी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और जो चीजें संभाली हुई थी वो किस दिन के लिए है। नहीं ऐसा है ना, गाड़ी कैसी भी हो यार, खाली खड़ा करके तो उसको निहारने से फायदा है नहीं, गाड़ी चलेगी तो रवा भी रहेगी और मजा भी देगी, इंक्लूडिंग जिंदगी की गाड़ी। दिस इज द सनशाइन नज्म पावर्ड बाय कार देखो गाड़ी। मच सनशाइन एंड लाफ्टर टू यू दोस्तों, सी यू ऑल्सो।